देश के लिए शुक्रवार की सुबह जब दुष्कर्मियों और दरिंदों की मौत की खबर लेकर आई तो हर किसी के सीने में जल रही बदले की आग में जैसे राहत भरी ठंडक महसूस हुई। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट दरिंदों का एनकाउंटर। जी हाँ, दरिंदों का एनकाउंटर खाकी वर्दी ने आज वह कर दिखाया जो शायद हमने सोचा भी नहीं था। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में बीते दिनों दरिंदगी का शिकार हुई युवती की रूह को आज शायद इंसाफ मिल ही गया होगा। हैदराबाद के बाहरी इलाके शादनगर में पशु चिकित्सक युवती डॉक्टर रेड्डी के चार दरिंदों ने मिलकर गैंगरेप कर उनकी हत्या कर शव को आग में जला दिया, जिसके बाद पूरे देश में डॉक्टर रेड्डी के साथ दुष्कर्म और दुराचार और हत्या का आक्रोश के रूप में आग फैल गई। लोगों ने निर्भया कांड की याद दिलाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की सरकार से गुहार लगाई। देश में कैंडल मार्च निकाले गए, श्रद्धांजलि सभाएं की गई, मासूम बच्चियों ने सरकार के सामने खुद को असुरक्षित बताया। लेकिन आखिरकार बीती रात पुलिस ने खाकी और खादी सहित देश के नागरिकों की लाज रखी और चारों दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही चारों आरोपियों को पुलिस द्वारा गुरुवार 5 दिसंबर 2019 को देर रात एनकाउंटर में मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एनकाउंटर उसी जगह पर किया जहां उन चारों दरिंदों ने पीड़िता के शव को जलाया था। हालांकि इस एनकाउंटर पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और किए भी जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार की देर रात पुलिस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए चारों आरोपियों को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लेकर गई, लेकिन वहां पर चारों पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी देते हुए उन्हें रोका, लेकिन वो भागते रहे। अंततः पुलिस ने उन चारों पर गोली चला दी और मौका वारदात पर ही वहशी दरिंदों शिवा, नवीन, केशवलू और मोहम्मद को ढेर कर दिया गया। दरिंदों के एनकाउंटर की खबर खुद तेलंगाना के पुलिस कमिश्नर ने पुष्टि करते हुए शुक्रवार की सुबह जानकारी दी। इस एनकाउंटर के बाद देश में लोग जश्न मना रहे हैं, तो वहीं पीड़िता डॉक्टर रेड्डी की मां और पिता के आंसू को भी शायद इंसाफ मिल गया। उल्लेखनीय है कि गैंगरेप की सूचना के बाद से ही पुलिस ने शिवा, नवीन, केशवलू और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर अपनी रिमांड में रखा हुआ था। देश के चारों ओर से इन्हें फांसी दिए जाने की मांग उठ रही थी। पीड़िता की मां की तो यहां तक की मांग थी, जिस तरह दरिंदों ने उनकी बेटी को जलाया है ठीक उसी तरह इन्हें भी जला दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले आरोपियों के परिवारों ने साफ कहा था कि उनके बेटों को अगर मौत की सजा दी जाती है तो वे विरोध नहीं करेंगे। एक आरोपी के परिवार की ओर से कहा गया कि जो अपराध उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें या तो फांसी दी जानी चाहिए या फिर जिंदा जला देना चाहिए। आरोपी सी चन्ना केशवूल की मां ने स्थानीय मीडिया से कहा, मेरी खुद की एक बेटी है, मैं मृतक लड़की के परिवार का दर्द समझ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि इस हैवानियत भरे कृत्य के लिए उनके बेटे को फांसी ही दी जानी चाहिए या फिर जिंदा जला दिया जाना चाहिए। यह तो एक पीड़िता को लेकर पुलिस की कार्यवाही सामने आई है, लेकिन हमारे संस्कारी कहे जाने वाले देश में हर दिन महिलाएं, मासूम बच्चियां दुष्कर्मियों का शिकार हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने तो पहले भी अपने एक भाषण में ऐसे दुराचारियों के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी, लेकिन इन सब के बीच हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आम जन अपने आसपास हो रही घटना और अपराधों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो पुलिस और जिम्मेदारों तक सही समय पर सूचनाएं नहीं पहुंचाएंगे तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। देश की बेटी डॉक्टर रेड्डी और तमाम घटनाओं की शिकार हुई मासूम पीड़िता इस दुनिया में तो वापस नहीं आ सकती, किंतु यदि उनकी रूह कहीं भी होगी तो उन्हें ऐसे एनकाउंटर और अपराधियों को मिल रही ऐसी सजा के बाद सुकून जरूर मिला होगा।
एक बार फिर हमारी पूरे देशवासियों से अपील है, निवेदन है, अपराध और अपराधियों को अनदेखा कतई ना करें।